नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अभय और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप Realme 3 को बाई कर सकते हैं। जी हाँ, Realme 3 को बहुत सारे लोग बाई करना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं Realme 3 का को बाई करने के लिए, लेकिन बहुत सारे प्रयासों के बाद ही वो बाई नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तरीका जिसे आप लागू करके आसानी से आप फ्लिपकार्ट से Realme 3 को आप बाई कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Realme 3 को बाई कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। तो कुछ सिंपल तरीकों को आपको आजमाना है और उसके बाद आप देखेंगे आसानी से आप Realme 3 को आप बाई कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट कंफर्म कर लेना है जिस दिन सेल अनाउंस होने वाला है, डेट एंड टाइम, और जो भी वक्त डिसाइडेड हो कि इस वक्त में सेल शुरू होने वाला है, कम से कम उससे 10 मिनट पहले आपको फ्लिपकार्ट पर लॉगिन हो जाना है। उससे 10 मिनट पहले आपको फ्लिपकार्ट पर लॉगिन हो जाना है और जितना भी आपका कम्युनिकेशन डिटेल है जिसपे आप प्रोडक्ट को डिलीवर आप करवाना चाहते हैं, जो डिलीवरी एड्रेस है वो सब आपको फिल कर देना है। जी हाँ, शुरू सेल शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको ये सब कुछ फिल करके रखना है। उसके बाद आपको देखना है नेटवर्क कनेक्टिविटी। अगर आप स्मार्टफोन से बाइक कर रहे हैं तो आप ऐसे जगह में चले जाए जहां पे नेटवर्क आपको स्ट्रांग मिलता है, और अगर आप डेस्कटॉप से बाइक कर रहे हैं और आपने अच्छा नेट लगवा रखा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मगर और अगर आप स्मार्टफोन से बाइक कर रहे हैं और घर के अंदर आप बाइक करने की कोशिश कर रहे हैं और नेटवर्क अगर आपको स्ट्रांग नहीं मिल रहा है तब आपको असुविधा हो सकती है। तो आप ऐसे जगह पे चले जाएं जहां पे आपको नेटवर्क अच्छा मिले। तो आप ये दोनों काम 10 मिनट पहले ही कर लेना है। तो जैसे ही सेल शुरू होगी आपको प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको बाई का ऑप्शन मिलेगा और बाई के ऑप्शन के बाद आपको सेलेक्ट करना है कैश ऑन डिलीवरी। जी हाँ, आपको नेट बैंकिंग के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप नेट बैंकिंग को चूज करेंगे तो समय बहुत कम होता है, वो प्रोसेस ही चलता रहेगा और आपका समय चला जाएगा और सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको कोई भी नेट बैंकिंग डिटेल्स वगैरह नहीं भरने होते हैं और आपके समय की बचत होती है। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जितना ज्यादा तेजी से हो सके आपको उसे बाई कर लेना है। और अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं मिलती है, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तब भी आप बाई कर पाएंगे। मैंने किया था नोट 5 प्रो, मैंने ऑनलाइन पेमेंट करके बाई किया था सेल के अंदर में। तो आपको जल्दी से अपना जो पेमेंट डिटेल है वो फिल करना है और उसे बाई करना है। आप समय रहते आपको सारा पेमेंट डिटेल फिल करके बाई करना होता है। तो आपको ये सिंपल तरीकों को आप आजमा कर Realme 3 को आप बाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो इस तरह के टेक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना अनमोल फीडबैक देना हमें बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।